आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज एक ऐसे अभिनेत्री का जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक सीधे राजघराने से है। यह अभिनेत्री के खानदान में हर कोई राजघराने से ताल्लुक रखता है, तो नानी दादी परदादी राजकुमारियां हैं। इन अभिनेत्री की अगर बात करें तो बॉलीवुड में इन्होंने कदम तो रखा, लेकिन इन्होंने अपने करियर को पीक पे ले जाने की कोशिश की, लेकिन असफलता इनको हासिल हुई। काफ़ी स्ट्रगल करने के बावजूद भी ये एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में नहीं आई, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी नज़र नहीं आती हैं, और साथ ही बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल करने के लिए आई थी वो मुकाम इनको हासिल ना हो सका। कुछ लोगों का मानना है कि ये बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि राजघराने के लिए ही बनी है, तो इनमें से कई लोग ये भी नहीं जानते कि ये कौन सी एक्ट्रेस हैं जो कि राजघराने से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं अभिनेत्री के बारे में जिनका सीधे ताल्लुक ना तो ना केवल राजघराने से है बल्कि राजनीतिक गलियारों से भी है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शाही परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, हाथ तो आजमाया लेकिन सफल नहीं हो पाए। हाँ, ये जरूर है कि उन सितारों की लिस्ट में संख्या बहुत कम है जो बॉलीवुड में सफल ना हो पाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के समय में भी बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो कि फिल्मों में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन वो बड़े बड़े राजघरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई राजघराने की बेटी है तो कोई किसी राज्य की पहले थी राजकुमारी। इसी सिलसिले में एक किस्सा सामने आ रहा है एक और ऐसी ही राजकुमारी का जो कि बॉलीवुड में नाम शोहरत हासिल ना कर पाई, लेकिन बॉलीवुड में इनकी पहचान ज़रूर है। ऐसे में वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो कि ताल्लुक़ तो रखती हैं राजघराने से, लेकिन असल में वो एक आम जिंदगी जी रही हैं, और क्यों आखिर इनकी फिल्में सक्सेसफुल नहीं होती। चलिए हम आपको बताते हैं आज के प्रोग्राम में कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो कि राजकुमारी है, जिसका संबंध सीधे तौर पर राजघराने से है, और ना केवल ये राजकुमारी है बल्कि सियासी तौर पर भी इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत ऊँचे घरानों से ताल्लुक रखने की वजह से राजनीतिक दल के भी ये बेहद करीब है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ हरे कलर की ड्रेस में क्यूट सी लड़की खड़ी है। ये लड़की शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। इस लड़की की माँ बहन नानी सभी एक्ट्रेस हैं, लेकिन ये जो कि खुद एक्ट्रेस है सफलता बॉलीवुड में हासिल ना कर पाई, जबकि बहन माँ और नानी ने सफलता हासिल जरूर की है। संजय दत्त से लेकर के सैफ अली खान तक के सितारों के साथ बहन माँ और नानी ने काम किया है, मगर जैसा सफलता जैसी सोच के साथ वो इस इंडस्ट्री में आई थी शायद वो उन्हें नहीं मिल पाई। उन्होंने कुछ वक्त पहले इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर की है जो अब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब ये मालूम होने लगा है कि वो एक्ट्रेस राजघराने से ताल्लुक रखती है। अगर आप हिंदी सिनेमा और फिल्मों के शौकीन हैं तो आप ज़रूर इन्हें पहचान जाएंगे। बचपन से ही ये एक्ट्रेस फेमस हैं, बेहद ही क्यूट नज़र आती हैं। फिल्मी सितारे भी अपने फैंस की भावनाएं समझते हैं, इसलिए अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की तस्वीरें साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर यादगार तस्वीरें शेयर की।
ये तस्वीर 43 साल पुरानी है, मगर खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी ही है। तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ हरा सूट पहने एक लड़की है जो शाही घराने से है। ये दोनों बहनें हैं, दाई और बाई ओर बैठी हुई हैं। इनकी माँ नानी बॉलीवुड में काम किया करती थी। आपको बता दें कि ये काफ़ी बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनकी परदादी बिहार की राजकुमारी थी। उम्मीद है कि आप इन्हें पहचानते होंगे, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन सी एक्ट्रेस है। इनका नाम है दाई और बैठी हुई राइमा सेन, और जो लड़की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बाई ओर खड़ी है इनका नाम है राइमा सेन, और जो दाई ओर है उनका नाम है सिया सेन। अब आप इन दोनों को जान गए होंगे, तो चलिए इनकी असली पहचान के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ और राइमा की दादी ईला देवी के पिता थे। वे कूच बिहार की राजकुमारी इंदिरा राजे की परपोती लगती हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मुनमुन सेन उनकी माँ हैं और एक्ट्रेस सुचिता सेन उनकी नानी है। सुचित्रा सेन के साथ इनका काफ़ी बेहतर रिश्ता था। राइमा सेन ने गॉड मदर से डेब्यू किया था। साल 1999 में यह रिलीज भी हुई थी। राइमा को दर्शक परिणीता दमन, हनीमून ट्रेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक लव्य जैसी फिल्मों में देख सकते हैं और इन्हें याद किया जा सकता है। उन फिल्मों से इन्हें कुछ काम तो मिला, लेकिन वो पॉपुलैरिटी हासिल ना हो पाई। वे एनराइज वाइज में नजर आई हैं। इसके अलावा ये कई और फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। बता दें कि 43 साल के राइमा सेन लव बर्ड्स, हेलो और मेहमान जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की है। ये बेहद ही खूबसूरत नज़र आती हैं। दोनों बहनें अपने आपने में लाजवाब हैं, दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल बात तो ये है कि तमाम स्ट्रगल्स, तमाम मेहनत के बावजूद भी इन्हें सफलता हासिल नहीं हो पा रही। कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों बहनें राज घरानों के लिए बनी हैं, ना कि बॉलीवुड में अपने करियर को चमकाने के लिए। फिलहाल इस पर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये बात सच है कि ये दोनों बहनें अपने आप में ही खास हैं, ना केवल खानदानी तौर पर बल्कि इनके स्वभाव से भी। ये साफ जहन में नज़र आता है कि इनका जो रिश्ता है वो राजघरानों से कितना पक्का है। तो देखा आपने, बेहद ही खूबसूरत है ये अभिनेत्री, लेकिन जितनी खूबसूरत है जितने एक्टिंग से अपने फैंस का दिल जीत लेती हैं, तो करियर में उतना इनको पीक नहीं मिला, उतना इनको किक नहीं मिला, जिसकी वजह से आज भी ये स्ट्रगल कर रही हैं। हालांकि वेब सीरीज़ में इन्हें देखा गया है और सपोर्टिंग रोल्स में इन्हें कई फिल्मों में देखा गया है, लेकिन फिल्में उतनी पॉपुलर साबित नहीं होती, हिट साबित नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी जो पहचान है कहीं ना कहीं दब जाती है। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कॉमेंट ज़रूर करें। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।